इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ये दोनों तस्वीर रामपुर की हैं। आपने हमेशा महिलाओं के साथ ससुरालियों द्वारा उत्पीड़न की कहानी सुनी या देखी होगी, जहां पर ससुरालियों द्वारा जलाए जाने या फिर दहेज की मांग करने जैसे अनेक मामले सुने होंगे और देखे भी होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जहां दो महिलाएं ससुरालियों नहीं बल्कि अपने ही मायके वालों का शिकार हो रही हैं, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी मैडम, क्या नाम है आपका? अर्चना खंडे। अर्चना जी, आपके घर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला को जो है पूरी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, क्या है मामला? सर, वो हमारी नंद है और ये लोग हमारे जेठ जेठानी जो है उन पर अत्याचार करते रहते हैं, मारा पीटी करते रहते हैं, बोल नहीं पाती हैं, गूंगी हैं। और कब से चल रहा है ये? हो गया वैसे, मारते तो काफ़ी टाइम से रहे लेकिन अब कुछ ज़्यादा ये उन पर अत्याचार करने लगे हैं लोग। और काम भी नहीं कहीं करती हैं, सारा काम करती छत पे ही रहती हैं, इनका काम करती हैं और सारे दिन छत पे ही बैठी रहती हैं वो। और लोग से क्या रोती जी देखते हैं तो वो कभी बिस्किट दे देते हैं, कभी चाय है लोग उन्हें दे के जाते हैं, वो खाती भी हैं, पेट नहीं भरता है तो वो खाती हैं मांग के। क्या कब से जाता है सब ये? काफ़ी टाइम हो गया है ऐसे चलते रहते हैं, मांग के खाती हैं काफ़ी टाइम। जैसे आपकी नंद हैं तो कभी आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते अपना? हम उठाते हैं आवाज़ तो, लेकिन क्या है वो ये इनके बच्चे ये लोग फिर गाली भी नहीं देते, मारा पीटी पे चढ़ जाते हैं लोग। हमारे हस्बैंड सुबह के जाते हैं शाम को घर में आते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाते। थाने भी जाओ तो थाने में ये लोग पैसे वैसे दे जाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। कभी कभी इस महिला को इंसाफ नहीं मिला? जी नहीं, कभी नहीं मिला तो, क्योंकि माँ इनकी है नहीं है, माँ ख़त्म हो गई और पिताजी भी नहीं है इनके, इसलिए तो क्या क्या लालच क्या है इसमें? लालच बस वो है, इनका हिस्सा है, हिस्से के चक्कर में रख रखा है, ये है कि इनका हिस्सा हमें मिल जाए, ये है लालच इनका। कब जिस तरीके से एक लंबे समय से अत्याचार हो रहा है तो जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, क्या चाहती हैं आप? इंसाफ होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, मारा पीटी इनके लिए, जितनी इनकी ज़िंदगी है वो अपने सुख से है क्या जी हैं, ये चाहते हैं। सर, थानागंज का एक मामला है जहाँ एक वीडियो लगातार जो है वायरल हो रहा है, क्या है मामला? व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें एक महिला किसी अशक्त महिला को मारते पीटते हुए दिखाई दे रही है। प्रारंभिक जाँच से ये मामला थानागंज का हुआ है, इस मामले का हमने संज्ञान लिया है एवं इसके लिए जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई है ये हम जांच के बाद करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से एक ये वीडियो वायरल हुआ है और बड़ी क्रूरता से जो है एक महिला को महिला द्वारा पीटा जा रहा है, जी जी, तो क्या मानते हैं कि ये समाज को क्या संदेश दे रही है वीडियो? समाज के लिए तो ये गलत संदेश है, एक महिला द्वारा अगर एक मानसिक अशक्त महिला को इस तरह पीटा जा रहा है तो इसे हम किसी भी समाज के लिए एक अच्छा लक्षण नहीं बोल सकते। किस तरीके की सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी? भारतीय दंड संहिता की जो भी सुसंगत धाराएं मारपीट की लगती हैं वो इस पर लगाकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? केवल किशोर खंडे। केवल जी, एक महिला का यहाँ पीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है आपके घर का, क्या है मामला? जी सर, वो मेरी बड़ी बहन है, वो जिन्होंने रखा है वो मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ मेरी बहन रहती है, करीब 4-5 साल से इन्होंने रखा है अपने पास, इसके हिस्से का लालच में रखा, इससे मेरा कोर्ट भी चल रहा है मुकदमा, इनको अपने हिस्से के लिए उन्होंने अपनी बीवी से संरक्षक बना रखा था, उस कोर्ट के अंदर इनका दावा चल रहा है बहन की तरफ से, जबकि कोर्ट ने इनके बीवी को संरक्षक से हटा दिया न्यायालय ने, किसी और वकील को डाल रखा था। जी क्यों क्यों पीट रहे हैं, मतलब वीडियो में जो दिखाई दे रहा है बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं ये? सर, एक तो इनको हिस्सा चाहिए, दूसरी बात इसके ऊपर ना माँ का सहारा है ना भाई बहनों का सहारा, ना माँ का है ना भाई भाइयों का सहारा, ये चाहते हैं हमारे कब्जे में हमसे नौकर बना कर रखते अपने पास, अक्सर ये कपड़े धुलवाती वो बर्तन मंजवाती, रात में उठा कर ले आती है, दो बर्तन में थोड़ी सी रोटी हाथ पे रख दिया, कुछ झूठन खाते दिए झूठी खाती है। तो मतलब आप उनके बड़े भाई हैं, उसके छोटे भाई हैं, तो उसके बावजूद आप लोग क्यों मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हो? सर, मदद को नहीं बढ़ाता, मेरे छोटे बच्चे हैं, दूसरी बार मेरे कोर्ट में चलना मुकदमा, मैं एसटी शिकायत भी करता हूँ, उसके बाद ये पुलिस हमारे ऊपर उल्टा हमारे पर चार्ज लगाओ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों, ये तो ये गंगे साहब इतना मुकदमा कर दिया, मकान भेज दिया और ये ऐसे ऐसे करने से हमारे उन्होंने कंप्लेंट कर दी हमारी, हमारा हुआ चल रहा इनके खिलाफ, इसलिए हमें दबाव बनाने के लिए हमें झूठा साबित कर सकते।
तो जिस तरीके से महिला को पीटा जा रहा है, आप मानते हो कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ मिले, बिल्कुल इनको इंसाफ मिले,